सो वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू आवर चैनल स्पेक डिवीज़न। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज का ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप 10 पॉलिटेक्निक कॉलेज ऑफ बिहार। पूरे बिहार में जो सबसे बेस्ट टॉप 10 पॉलिटेक्निक कॉलेज है ऑल ब्रांच का। पिछले साल जो मैंने वीडियो डाला था उसमें सिर्फ मैंने सिविल का बात करा था, बट इस वीडियो में मैं ऑल ब्रांचेज को इंक्लूड करके ये वीडियो बना रहा हूँ और एक एक कॉलेज का कट ऑफ बताऊँगा। जो टॉप 10 कॉलेज हैं उसका क्या कट ऑफ, कितने रैंक पे ये कॉलेज मिलेगा आपको, किसका हॉस्टल है, किसका हॉस्टल नहीं है, किसका कैसा कैंपस है वो भी दिखाएंगे, फैकल्टी कैसा है, किस हॉस्टल में आपको लाइब्रेरी का फैसिलिटी है, किस आपको कॉलेज में वर्कशॉप का फैसिलिटी है। दूसरी बात, ये जो एक वर्ड लिखा है मैंने, अगर इस कॉलेज में एडमिशन हुआ तो सरकारी नौकरी पक्की, मतलब कि प्लेसमेंट किस कॉलेज में होता है, किस कॉलेज में कैसे क्लासेस चलते हैं, उस बेसिस पे मैंने टॉप 10 पॉलिटेक्निक कॉलेज सेलेक्ट किया ऑल ओवर बिहार में, जिसका रैंक एकदम 1 से 10 में आता है। ये 10 कॉलेज अगर आपको मिल जाता है फिर आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस रैंकिंग में सबसे फर्स्ट नंबर कॉलेज जो आता है हमारा एनजीपी पटना 13, न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 13, जो कि पटना में कॉलेज है। इस कॉलेज को हमने रैंक 1 पे दिया है क्योंकि ये कॉलेज इतना बेस्ट है कि इसमें आपको एडमिशन मिल गया तो आपका लाइफ सिक्योर है, क्योंकि इसका प्लेसमेंट रेट बहुत हाई है। कॉलेज में पढ़ाई टॉप लेवल की होती है, ऐसा कोई क्लास नहीं होगा जो कि खाली जाता होगा, हर एक क्लास यहाँ पे होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, सारे फैसिलिटी बहुत बढ़िया है। इसका आगे की हम बात करें, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फुल्ली फर्निश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इसका कॉलेज अगर देखिएगा तो टॉप लेवल का है, फुल्ली इक्विप्ड लैब है। बहुत सारे कॉलेजेस में क्या होते हैं, लैब तो होते हैं लेकिन वहाँ सामान नहीं होते हैं, लेकिन नहीं, इसके लैब एकदम एडवांस हैं, फुल्ली इक्विप्ड हैं। फैसिलिटी आपको, फैकल्टी जो है आपको बेस्ट मिलेगी, टीचर्स जो हैं सारे बहुत ही दमदार टीचर हैं इस कॉलेज में, और हाई प्लेसमेंट चांसेस हैं। प्लेसमेंट इस कॉलेज का चाहे सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सबका बहुत ज़्यादा बेटर है। बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल अवेलेबल, दोनों हॉस्टल अलग अलग बॉयज और गर्ल्स का अवेलेबल है इस कॉलेज में, दोनों हॉस्टल अवेलेबल है यहां पे, ठीक है, समझ में आ गया। चैनल पे न्यू है, चैनल को सबको सब्सक्राइब कीजिए और जरूर से जरूर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर जाए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है, पॉलिटेक्निक का सेमेस्टर से लेके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस सारा चीज़ का जानकारी सबसे पहले पाने के लिए, ठीक है। इसका कट ऑफ की हम बात करें, ठीक है, इसका कट ऑफ की हम बात करें बाबू, तो देखिए जनरल में इसका 300 तक, अगर आपका रैंक यूआर 300 तक है तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, 300 यूआर तक कॉलेज है तो आपको मिल जाएगा। कैटेगरी आपके पास कोई अवेलेबल है 500 तक रैंक है आपको तो मिलेगा। इसमें सिविल की हम बात करें, सिविल 100 तक रैंक उठता है इसमें, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात करें तो 200-250, ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स सबकी ब्रांच की बात करें तो उसका लगभग 300 तक जाता है इसका, ठीक है। अगर सीएससी की बात करें तो हम उसका भी 100 के अंडर ही रहता है, ठीक है। नंबर सेकेंड पे जो कॉलेज आता है वो है जीपी पटना 7, यानी पटना 7 आप लोग जिसको बोलते हैं, जो कि गुलजार बाग में है। पटना का ये आप लोग का मेन गेट है जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये नंबर सेकेंड पे आता है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है ये बिहार का, ये भी एनजीपी के बाद इसी का नंबर आता है। इसका भी आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, हालांकि उतना भी अच्छा नहीं क्योंकि ये पुराना कॉलेज है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर सिर्फ मत जाइए, अंदर का फैसिलिटी डालिए। यहाँ पे इंटर्नशिप आपको अवेलेबल है, साइट विजिट अवेलेबल, बेस्ट फैकल्टी आपको देखने को मिलेंगे हर एक कॉलेजेस से, जितने भी बिहार में कॉलेज हैं उस कॉलेज के कंपैरिजन में आपको बेस्ट फैकल्टी मिलेंगे यहाँ पे। हाई प्लेसमेंट चांस है इस कॉलेज में, कॉलेज पुराना है बट इसका रैंकिंग सेकंड पे है ऑल ओवर बिहार में, कट ऑफ भी इसका बहुत हाई जाता है, गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल सेपरेट अवेलेबल है इस कॉलेज में। कट ऑफ की बात करें, हम सिविल का कट ऑफ करें तो यहाँ पे वही 100-150 तक ज़्यादा जाता है, 200 तक जाता है मैक्सिमम, ठीक है, और कोई कैटेगरी है आपके पास तो आपको 200-250 हो सकता है। अदर ब्रांच की बात करें तो लगभग आपका 600 तक यहाँ पे उठता है, 600 रैंक पे यूआर रैंक, ठीक है, और कोई कैटेगरी आपका 800 तक जा सकता है। नेक्स्ट बात करें हम कॉलेज का तो जीपी मुजफ्फरपुर में वुमेंस मुजफ्फरपुर कॉलेज है। इसमें देखिए अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो इस लिस्ट में आप एक और कॉलेज जोड़ सकते हैं, वुमेंस पॉलिटेक्निक पटना, ठीक है, पटना का जो वो आपका वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ठीक है, जिसको पटना 14 बोलते हैं, ठीक है, वो भी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ बिहार है, बट फर्क एक ही है कि वो कोएड नहीं है, ओनली फॉर गर्ल्स कैंडिडेट, ठीक है, इसलिए मैंने इस लिस्ट में शामिल नहीं किया है। अदरवाइज अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो वो कॉलेज आप
आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। जो फैसिलिटी आपको एनजीपी पटना 13 में मिलेगी वही आपको वुमेंस कॉलेज में भी मिलेगी, ठीक है। रैंक 3 पे आता है हमारा जीपी मुजफ्फरपुर, यह इंट्रेंस है मुजफ्फरपुर का, बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। आप मुजफ्फरपुर का स्टेशन के पास ये कॉलेज है। सबसे बड़ा बात इसका है कि आपको ज़्यादा मतलब बहुत सारे कॉलेज में आउटसाइड एरिया में होते हैं, नहीं, ये कॉलेज आपको जस्ट जंक्शन के पास मिल जाएगा। बेस्ट वर्कशॉप अवेलेबल है, फील्ड प्रैक्टिस अवेलेबल है, लैब फुल्ली फर्निश्ड इक्विप्ड आपको मिलेंगे, सारे मटेरियल आपको मिलेंगे। कॉलेज पुराना है बट दमदार है, ठीक है। बेस्ट फैकल्टी आपको मिलेगा यहाँ पे, फैकल्टी बहुत अच्छे हैं। ऑब्वियसली टॉप 10 की हम बात कर रहे हैं तो सबके कॉलेज की फैकल्टी बेहतरीन ही होंगे, ठीक है। ओल्ड एंड इसका कट ऑफ की हम बात करेंगे तो इसमें जनरल में आपको 1200 तक अगर आपका रैंक है तो मिल जाएगा एडमिशन, और अगर 1400 तक अगर आपका कोई कैटेगरी में रैंक है तो इसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर इसे सिविल की बात करें तो हम आपको अगर 400 तक रैंक है, 500, 600, 700 तक भी है तो आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कटिहार, जीपी कटिहार। कटिहार का भी कॉलेज काफ़ी नामी है। कटिहार का कॉलेज में आपको सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों के लिए बहुत फेमस है ये कॉलेज। आप लोग इसका एंट्रेंस देख ही रहे होंगे यहाँ पे। उसके बाद हम बात करें इसमें सब चीज़ आपको फैसिलिटी, आपको फैकल्टी से लेकर लैब तक इक्विप मिलेंगे। कॉलेज पुराना है इसलिए नाम है, बहुत रिस्पेक्टेबल कॉलेज है। वर्कशॉप इसका बहुत ही फर्निश्ड है, सारे टूल्स यहाँ पे अवेलेबल है। हॉस्टल दोनों अवेलेबल है, गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल, बट यहाँ एक नियम है कि आपको सेकेंड ईयर से हॉस्टल मिलेगा। अब हो सकता है नियम ये चेंज हो गया, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है फर्स्ट ईयर वाले को हॉस्टल नहीं मिलता है, सेकेंड ईयर को मिलता है यहाँ हॉस्टल, ठीक है। नेक्स्ट इसका कट ऑफ की हम बात करेंगे तो 3000 तक कट ऑफ जाता है अगर आपका यूआर में है और सारे ब्रांच का मिला के, ठीक है। अगर सिविल चाहिए आपको 1700-1800-2000 तक है तो आपको सिविल मिल जाएगा, ठीक है। कैटेगरी वाइज बात करें 6000-7000 तक इसका कट ऑफ आराम से जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें हम रैंक नंबर 5 पे हमारा जीपी गया। गया में बाबू दो कॉलेज हैं, जीपी गया और राजकीय पॉलिटेक्निक गया जो आपको यहाँ दिख रहा है, और एक है जीपी टिकारी गया। दोनों कॉलेज काफ़ी बेहतरीन है। ये कॉलेज आपका राजकीय पॉलिटेक्निक गया बहुत पुराना कॉलेज है, जीपी टिकारी गया न्यू बना है। पुराना कॉलेज है इसलिए इसका नाम है, क्योंकि इसकी प्लेसमेंट रेट सेल हो गया, आपका लैब या फैसिलिटी सब बहुत बेहतरीन है, क्योंकि पुराना कॉलेज जो होता है बाबू सबका जो फैसिलिटी काफ़ी अच्छा होता है। लोकेशन जो है मेन टाउन में, ज़्यादा आउटसाइड एरिया में नहीं है। टिकारी गया आपका नया बना है लेकिन इसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन है, आप चाहे तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है। दोनों कॉलेज नामी है, ठीक है। इसका अगर कट ऑफ की बात करें तो 2000 तक आपका जनरल में कट ऑफ जाता है और 5000 तक अगर आपका है कोई कैटेगरी है तो आपको 5000 तक में ये कॉलेज मिल जाएगा। नेक्स्ट कॉलेज बात करें जीपी दरभंगा, इसको हमने रैंक नंबर 6 पे लिखा है। सिविल के लिए काफी नामी ये कॉलेज है, ठीक है। जीपी दरभंगा बहुत पुराना कॉलेज है, ऐसा नहीं कि नया कॉलेज है, बट लेकिन नाम बहुत है। जीपी दरभंगा का नाम बहुत है, ओल्ड कॉलेज है, रिनोड कॉलेज है, पूरा फेमस कॉलेज है। इसका भी आपको लैब बहुत फैसिलिटी आपको अच्छा मिल जाएगा। वर्कशॉप की हम बात करें फुली फर्निश्ड वर्कशॉप मिल जाएगा। बेस्ट कैंपस है, सिटी में कैंपस है इसका, पूरा कोई आउटसाइड एरिया आपको जाने को नहीं मिलेगा, ठीक है। गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल दोनों अवेलेबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका कट ऑफ की हम बात करें तो 3000 तक इसका जाता है यूआर में कट ऑफ, और इसका कैटेगरी की बात करें तो 6000 तक इसका कैटेगरी में कट ऑफ जाता है। नेक्स्ट 7 नंबर पे जीपी मधेपुरा, इसको मैंने क्यों लिखा है, ये तो भाई न्यू कॉलेज है। तो देखिए यहाँ के कॉलेज में इंटरनल मार्क्स बहुत बेहतरीन मिलते हैं, और इंटरनल मार्क्स अगर देखिए पॉलिटेक्निक में इंटरनल मार्क्स बहुत बेहतरीन मिलता है, ठीक है, बहुत ही मायने रखता है इंटरनल मार्क्स, क्योंकि आपका 750 नंबर का एग्ज़ाम होता है जिसमें से 350 ही आउटसाइड में होता है जो आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है, बाकी जो 400 नंबर होता है बाबू वो आपको इंटरनल देती है। तो इंटरनल ऐसा कॉलेज भी हमें ढूंढना रहना चाहिए कि जो कि इंटरनल नंबर आपको काफ़ी अच्छा दे, और इस इंटरनल नंबर के मामले में मधेपुरा आपका टॉप पे आता है, क्योंकि जितना नंबर आपको मधेपुरा कॉलेज देता है उतना कोई नहीं देगा, ठीक है। तो इसलिए इसको हमने 7 नंबर पे रखा है। इसका कट ऑफ थोड़ा लो जाता है, न्यू कॉलेज है, बेस्ट कॉलेज है, सिविल के लिए तो भाई वरदान है, क्योंकि इसमें इतना नंबर मिलता है कि किसी कॉलेज में आपको नहीं मिलता है, ठीक है, किसी भी कॉलेज में आपको नहीं मिलेगा। गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल के लिए बेस्ट हॉस्टल अवेलेबल है, न्यू कैंपस है, कैंपस धमाकेदार आपको लगेगा देखने में जितने भी पुराने कैंपस हैं उसके कंपैरिजन में, ठीक है। इसका कट ऑफ जो है बाबू 8000 तक जनरली आता है, 10000 तक कोई कैटेगरी है। सिविल चाहिए यहाँ पे 3500 तक रैंक है जिसमें सिविल मिल जाएगा, और अगर कोई कैटेगरी है तो वही 3600-3700 तक आपको सिविल मिल जाएगा। रैंक नंबर 8 पे हमको रखा है भागलपुर। आप लोग सबसे बोलते थे भागलपुर टॉप 3 में है, टॉप 3 नहीं, मैं क्योंकि मैं खुद भागलपुर से हूँ, इसका कंडीशन हम जान रहे हैं, इसीलिए हम रैंक नंबर 8 पे रखे हैं इसको, ठीक है। हालांकि इस बार न्यू कैंपस बना है भागलपुर का, तो न्यू कैंपस में अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुआ, अगर पढ़ाई स्टार्ट हो जाए तब आपको इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगा। अभी ये पुराना में चलता है और इसका
इंफ्रास्ट्रक्चर उतना सही नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे चुनाव का ड्यूटी पड़ते रहता है और भी बहुत सारे सरकारी कामकाज में ये कॉलेज लगभग व्यस्त रहता है, क्लासेस बहुत कम होती हैं, ये बात का गौर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका कंडीशन से हम बेहतरीन तरीके से अवगत हैं इसलिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, इसका भी ओल्ड कॉलेज है, गुड पोजिशन है, रिजल्ट के मामले में बहुत अच्छा देता है, रिजल्ट इस कॉलेज का बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, फैकल्टी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर आपको बॉयज हॉस्टल नहीं मिलेगा। बॉयज हॉस्टल न्यू कैंपस में बना है बट ओल्ड कैंपस में ओनली गर्ल्स हॉस्टल अवेलेबल है, ओनली गर्ल्स हॉस्टल अवेलेबल है, ठीक है। न्यू कैंपस चालू होगा तो आपको दोनों हॉस्टल मिल जाएगा। इसका कट ऑफ का बात करें तो 8,000 तक इसका कट ऑफ जाता है और अगर कोई कैटेगरी है बाबू तो 15,000 तक जाता है। सिविल की हम बात करें, इस कॉलेज में इलेक्ट्रिकल नहीं है, इस कॉलेज में इलेक्ट्रिकल नहीं है, सिविल है, मैकेनिकल है, आपका CS है, आपका एग्रीकल्चर है, टेक्सटाइल है, ये सब ब्रांचेज हैं आपका, लेकिन इलेक्ट्रिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है इसमें। 8,000 तक नॉर्मल अगर आपका कोई रैंक है, यूआर रैंक, तो आपको 8,000 तक जाएगा, कोई कैटेगरी है आपका तो 15,000 तक मिल जाएगा। सिविल की बात करें 2500, 2600, 2700, 3000 तक भी अगर आपका है ये कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, रैंक नंबर 9 पे जीपी किशनगंज, इसका भी इसको इसलिए मैंने रखा है, न्यू कॉलेज है, इससे भी अच्छे अच्छे कॉलेज हैं रैंकिंग में, बट ये मेरा पर्सनल रैंकिंग है और मैं सारे कॉलेज का कंडीशन जान रहा हूँ इसलिए मैंने इसको टॉप 9 में रखा है। 9 में रखने का एक ही मेरा मोटिव है, न्यू कॉलेज है, बेहतरीन कैंपस आपको देखने को मिलेगा, इंटरनल मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे, मेन आपका इंटरनल मार्क्स वेरी करता है, क्योंकि कॉलेज का बिल्डिंग का आप अचार नहीं डालोगे, आपको जो मार्क्स देगी कॉलेज आपका काम वो आएगा, तो इस बात को आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं न्यू एंड बेस्ट कॉलेज है, सिविल के लिए बेहतरीन है और इलेक्ट्रिकल के लिए भी ये कॉलेज बेहतरीन है, इलेक्ट्रिकल के लिए ध्यान रखिएगा, फुल्ली इक्विप्ड लैब है, आपका बेस्ट फैकल्टी है, न्यू कॉलेज है, पढ़ाई अच्छा होता है, क्लासेस वाला अच्छे होते हैं, नंबर भर भर के दिया जाता है और गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल, बेस्ट गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल आपको अवेलेबल है इस कॉलेज का, ठीक है। इसमें आपको कट ऑफ की बात करें तो लो कट ऑफ रहता है, ठीक है, 10,000 तक आपका कट ऑफ रहेगा, आपका मान लीजिए 10,000 तक आपका यूआर में अगर है तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा और अगर 18,000 तक भी है तो आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स सब, ठीक है। अगर सिविल की कट ऑफ की बात करें 4,000, 5,000, 6,000 तक भी इस कॉलेज में जाता है, कैटेगरी है तो कभी कभी 8,000 तक भी चला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बाबू, रैंक नंबर 10 पे हमने दो कॉलेज रखा है, एक रखा है जीपी मोतिहारी, एक रखा है जीपी पूर्णिया। जीपी पूर्णिया का भी बाबू बहुत नाम है, बहुत नामी कॉलेज है पूर्णिया, ठीक है, और पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, बहुत पुराना कॉलेज है, आसान बात नहीं है, न्यू कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है, पढ़ाई इसमें काफ़ी अच्छा होता है, मोतिहारी भी काफ़ी पुराना कॉलेज है, बट इसको 9वें और 10वें नंबर पर रखने का यही मेरा मोटिव था कि इससे भी बेहतरीन कॉलेज कुछ कुछ हैं जो नंबर अधिक देते हैं, इसलिए उनको मैंने पहले रखा है, ठीक है। न्यू एंड ओल्ड कॉलेज फॉर सिविल इंजीनियरिंग है, फुल्ली इक्विप्ड लैब है, बेस्ट फैकल्टी है, बेस्ट हॉस्टल है, गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल दोनों अवेलेबल है। सिविल पे मैंने फोकस किया है क्योंकि पूर्णिया का सिविल काफ़ी फेमस है, ठीक है। कट ऑफ की हम बात करें तो 15,000 तक रैंक है आपको तो कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, सिविल की हम बात करें तो 3,000 से 4,000, 5,000 तक आपका रैंक है सिविल इस कॉलेज में आपको मिल जाएगा। कैटेगरी की हम बात करें 20,000 तक भी रैंक है तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब ब्रांचेज यहाँ पे मिल सकते हैं। समझ में आ गया आपको? तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 कॉलेज का लिस्ट। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिए, कुछ दिक्कत अगर वीडियो में कुछ अगर गलत इन्फॉर्मेशन हम दे दिए हैं तो उसके लिए माफी चाहेंगे, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एस्पेक्ट विजन के साथ जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे।